नजर डाल लेते हैं कि लार्ज कैप शेयरों में कैसा एक्शन देखने को मिल रहा है। और कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड को लेकर जो एक बड़ी खबर आई थी, उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार एक गिरावट देखने को मिल रही है और उस गिरावट में ब्रेक नहीं लग रहा है। मुझे की खबर के बाद से ही हम ये दबाव देख रहे हैं। एक बार उस पर व्यू भी ले लेते हैं। मानस, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, इन दोनों ही शेयरों में जब से अनाउंसमेंट हुई है तब से ही एक दबाव दिख रहा है। क्या लग रहा है आपको चार्ट्स पर, इन दोनों ही काउंटर्स को देखिए, बताइए क्या वीकनेस और बढ़ सकती है इन स्तरों से? तो बिल्कुल देखिए, दोनों चार्ट वीक लगते हैं। एचडीएफसी लिमिटेड की जहां तक बात है, आज उसने एक बहुत ही अहम सपोर्ट था 2240, उसको ब्रीच किया है, उसके नीचे गया है। मेरा समझना है कि यहाँ पर अभी गिरावट और बढ़ेगी, शायद हमें 2025 तक के स्तर देखने को मिले, और कोई छोटा सा बाउंस बैक मिले तो मेरी राय तो यही रहेगी कि अगर आपके पास लॉन्ग पोजिशन है तो वहां पर कम लॉस करके निकलना बेहतर स्ट्रैटेजी है, रादर देन पोजीशन को होल्ड करना। और एचडीएफसी बैंक में भी देखिए, एचडीएफसी बैंक में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है डेली चार्ट पे, उसको देख के लगता है कि शायद हमें 1250 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे आने वाले समय में। तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी, कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो अगर ये सलाह दे दी गई है वीकनेस यहाँ पर और बढ़ सकती है, तो नुकसान से बचने के लिए अगर कोई भी बाउंस आपको दिखता है वहाँ से निकल जाने की राय इस वक्त इन स्तरों पर दी जाए।